तथागत महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार रामस्वामी, नारायण गुरु, विश्वभूषण परम पूज्य डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर खांसरा साहब के विचार को सर झुकाते हुए, और आज का जो प्रोटेस्ट है ये बहुत साल से बुद्ध से लेकर महापुरुष आज तक भी हमको न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है कि इतिहास किसको मालूम, उनको मालूम रहते हैं। और इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्मेशन किया, हम नहीं किया, हम खाली डिमांड किए। कमांड करने वाले गवर्नमेंट रहते, कमेटी फॉर्मेशन कराए, कमेटी रिपोर्ट दिए, दो साल हो गए मगर येडियुरप्पा ने लागू नहीं किया। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, कौन सा भी गवर्नमेंट रहने दो, जो कमेटी फॉर्मेशन उसको इम्प्लीमेंट करना था। ऐसा बात कालियाकर का कमीशन हो गए थे बैकवर्ड के वास्ते, मंडल कमीशन हो गए थे, मंडल कमीशन बिकॉज ऑफ बहुजन समाज पार्टी के वास्ते लागू हो गए, मगर अभी भी आज के तारीख में भी पूरा भारत देश में कंप्लीट नहीं हो गए। पहले 2% 27 सेंक्शन हो गए, मतलब 2% हो गए। ये बात आज स्टार्ट हो गया कर्नाटक में। हमारा स्वामी जी ने, हमारा सभी स्वामी एस सी एस टी का स्वामी जी मिलकर बहुत बड़ा स्टेप लिए है। वो स्वामी जी को कैसा कर रहे हैं ना, बीजेपी को, कांग्रेस को, जेडीयू को सपोर्ट करना, हमारा स्वामी जी को ये बहुजन समाज पार्टी भारत देश में एक ही हमारा रिकरेंस पार्टी है, ये बहुजन समाज एस सी एस टी ओबीसी और रिलीजन मिलने के, वो लोग भी सपोर्ट करना। और आप लोग भी कहाँ पर है ना, दूसरों के किराए आप लोगों को मालूम होना क्या कि वो तुम्हारा घर नहीं है, दूसरों का घर है, रेंटेड है, आप कभी भी तुमको निकाल सकते हैं। आप अपना घर को आ रो, अपने घर को स्ट्रांग करना और सत्ता पकड़ना, क्यों सत्ता से परिवर्तन होते हैं। बाबा साहब बोले थे, क्या बोले थे, पॉलिटिकल बोले सुप्रीम पावर, अगर आपके पास पावर रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम मांग रहे हैं, हम सीएम दिए, बोले सीएम नहीं बनाते तुमको, अगर 4% जीएसटी को वोट मिले ना बनाते, महाराष्ट्र में ऐसे हुए 4% जुड़े सुलकम का काम पर के कोने में थे, उनको लाकर सीएम बनाए। इस वास्ते हम एक होना चाहिए, यूनिट रहना चाहिए, हम पॉलिटिकल बात अलग सेल्फिश होते, ये समाज है, समाज के लिए हम काम करना चाहिए, यही है। बाबा साहब ने कहते गो बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी। हम लोग पढ़े लोग के बिजनेसमैन है, काम कर रहे हैं, मगर समाज को कोई नहीं देख रहे। इस वास्ते हमारा समाज बहुत पीछे है, कुछ भी नहीं मिले। हम इस देश का प्रधानमंत्री रहना था, हम देश का मुख्यमंत्री रहना था, हम जज रहना था, राष्ट्रपति था, कोई भी नहीं बनाए अभी तक। भाई बड़े नारायण कई को बनाए, बिकॉज ऑफ बहुजन समाज पार्टी से बनाए। हम डिमांड रखे थे बाबा साहब को भारत रत्न देना, इनको राष्ट्रपति बनाना, और कुछ डिमांड मंडल कमीशन डिमांड करें, उनको बोले तुमको अच्छा अच्छा पोस्ट होते कैबिनेट में, बोले तो हम मंत्री बनने नहीं लिए, हम हमारे इशू के लिए मंडल कमीशन लागू करना, क्योंकि कालियाकर का इंदिरा गांधी के पीरियड में हो गए थे, वो लागू नहीं किया, उन्होंने फेंक दिया कचरा डब्बी में। मंडल कमीशन इस बिकॉज ऑफ बहुजन समाज पार्टी से लागू हो गए, मगर अभी तक भी वो 20% हो गए, मतलब 2% दिए, रिजर्वेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो गए, कहाँ पर भी एससी को नहीं, एसके भी किसका भी नहीं हो गए। इस वास्ते हम लोगों का दर्द है, उसको दवा कौन सा है, हमारा यूनिटी है। इस वजह हम लोग सब लोग मिलकर करना, ये शुरुआत है कर्नाटक में, ये पूरा भारत देश में होने वाले है। इस वास्ते पॉलिटिकल पावर हमारा एक रहना, अरे नहीं मैं हूँ ना जी, हाँ मैं वो पार्टी में हूँ, ये पार्टी में, आप लोग बोलते होंगे वो तुमको खाली झाड़ू मारने झंडा पकड़ने वतने से तुमका कोई अधिकार नहीं है। हम सीएम बनते बोलो, नहीं तो बनाते, हम बनाते हैं, हम बनाते हैं। यूपी में ऐसा बात करने का मौका नहीं मिलता, हाड़े अगले में पिस्तौल से बात करते, हाड़े अगले में लेडीज को रेप करते, वहाँ पर एक बार चार बार मुख्यमंत्री बने दलित बेटी। हम मना है मुख्यमंत्री बनने में क्या क्या काम करें, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, इंदिरा गांधी करें, जवाहरलाल नहीं करें, कोई नहीं करे, कोई सीएम नहीं करे, बसु भी नहीं किया वेस्ट बंगाल का 25 साल, वैसा काम भाई कुमारी मायावती करके उन्हें बहुत कठिन से भारत देश में बाबा साहब का महापुरुष का मूवमेंट चला कर रहे, उनका हाथ मजबूत करना का चाहिए। बाबा साहब इस देश का प्रधानमंत्री होना था, क्योंकि हमको वोट का अधिकार नहीं था, आपको मालूम होंगे बाबा साहब ने बहुत कष्ट लेकर बातों से दो वोट का देकर मनुवादी लोगों ने छीन लिया। इस वास्ते बाबा साहब की फिल्म में गांधी बोलते तुम्हारे लोग वोट वोट बेचते, बोलते बाबा साहब क्या बोले थे, आज नहीं तो कल हमारे लोगों को जागरूक होगा, वोट इस्तेमाल करेंगे, इस देश में रूल करेंगे, बल्कि बोले थे। वो बात तो चल रहे, मगर इसके बाद हम भी लोग समझ होना, समस्या सबको रहते, घर में सबको रहते, ये समाज को मजबूत करने की कोशिश करना। मेरे को दो बात करने, जब को जय भीम जय भारत परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जो आज के दिन जो हमारे एस सी एस टी के रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है इस देश में, जो अभी हमारे स्वामी जी ने स्ट्राइक कर रहे हैं, उस स्ट्राइक के मुताबिक ये सरकार ने हमारा जो मांगे पूरे नहीं करने के वजह से इस कर्नाटक में आज हम ये आंदोलन निकाला हुआ है। इस आंदोलन ऐसा रहेगा कि जो हमारा रिजर्वेशन की जो एस सी एस टी की पॉलिसी को जो मान्यता नहीं देंगे, तो आज से हमारा जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, हम इस देश भर में, इस कर्नाटक राज्य में, मूल मूल में इसका हम आंदोलन शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों एक हम समझो, आज के दिन हमारे भोसले साहब ने बोले इस देश में कुछ करना है, सब मिलके एकजुट करना है,
मैं भीम आर्मी से बोल रहा हूँ, वो बीएसपी से बोल रहे हैं, कोई दलित सेना से बोल रहे हैं, कोई डीएसएस से बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक झूठ पे कब चलेंगे, जब हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी एक हो जाएगा, हमको रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाएगा, हमारे लोग सीएम बन जाएंगे, हमारे लोग एमएलए बन जाएंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब हम कुछ भी नहीं बन सकते। मेरे प्यारे भाइयों, इस सरकार जो है, आज का ये सरकार है, इस देश का चीटिंग सरकार है। इस देश में कौन सा तो सरकार है, ये बीजेपी सरकार चीटिंग है। इसका बारे में आप सब लोग सोच लेना चाहिए। हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी बंद किए, सब प्राइवेटिज्म किए, कोई किसी को आज तक गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल रहा है। रेलवे में प्राइवेटिज्म हुआ, कॉरपोरेशन में प्राइवेटिज्म नहीं हुआ, सभी प्राइवेटिज्म करके हमारे लोगों को आज के दिन तो ये हमारे सिटी जो क्लीन करते हैं, कौन करते हैं, हमारे एससी एसटी के लोग करते हैं। एससी एसटी लोगों को आज रिजर्वेशन पॉलिसी में अपार्टमेंट प्राइवेटिज्म कर जाएंगे, हमारे लोगों का पेट कैसा भरना है। पहले मनुवादी लोगों ने हमको जो अछूत बना के रखे थे, ये बीजेपी सरकार ने आज हमारे को प्राइवेटिज्म करके अछूत बना के रखा है। ये हम सोचना चाहिए सब मेरे भाइयों, एस सी एस टी माइनॉरिटी के लोग सभी मिलके। आज के दिन जो हमारे ये स्ट्राइक है, आज से जो चालू हुआ है, हमारे स्वामी जी लोगों ने 100 दिन हो गया वो जनता इसमें बैठे है बेंगलुरु में, उसकी सहायता उनको सम्मति भी नहीं दे रहे हैं। इस सरकार को हम धिक्कार करते हैं। ये करते हुए आज की स्ट्राइक को हम आगे बढ़ाते हुए डीसी को मेमोरेंडम देंगे और हम इसकी चलावली आगे बढ़ते रहेंगे।